कहते नहीं है कि डर डर है, तो डरना जरूरी भी है, सीधी बात है। क्योंकि सर्जरी का नाम आते ही मन में तरह तरह के भयानक चित्र भी उठते हैं कि यार सर्जरी का मतलब काटेंगे फाड़ेंगे, पता नहीं क्या होगा, ब्लीडिंग होगी क्या होगा, तमाम तरीके के मन में विचार भी आते हैं। ऑब्वियस आने भी चाहिए और हमें इस बात को जानना भी चाहिए। लेकिन देखिए, मैं राम कुमार सिंह, मैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में कार्यरत हूँ और मैं जनपद अलीगढ़ का रहने वाला हूँ। वर्तमान तैनाती मेरे जनपद मुरादाबाद में चल रही है और मैं आज क्यूएसटी संस्थान में अपनी छठवीं यानी सिक्स पीआरपी कराने आया हूँ। देखिए, जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ और इस बात को भली बात समझाना चाहता हूँ कि आज से लगभग मैं अगर 3 साल पहले की बात करूँ तो अचानक से मेरे सर से ये बाल जाने लगे। तो ये एक छोटा सा मन में एक जिज्ञासा भी उत्पन्न होती है, क्यूरियोसिटी आती है कि यार बाल जाने लगे, अचानक कैसे जाने लगे। तो कुछ समझ में नहीं आ पा रहा था कि बाल गए तो गए कैसे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरा जो नौकरी करने का व्यस्तम शेड्यूल है और एक खान पान ढंग से नहीं हो पा रहा है, तो उसका भी मुझे कारण लगा कि खान पान अच्छा ना होना दे, अनियंत्रित खान पान से और दूषित पानी की वजह से मेरे बाल जाना शुरू हो गए। जब मैंने कहते नहीं कि इंसान की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, जब वो कई कोशिशें कर लेता है उसके बाद उसको सफलता प्राप्त होती है तब वो हार के थक जाता है, फिर वो चाहता है कि यार मुझे अब एक बार में एक ऐसी कोशिश करनी है जो बिल्कुल लाख कोशिशों पे भारी बैठे। तो उसके बाद मैंने यूट्यूब में और कुछ लोगों ने मुझे बताया था क्यूएसटी संस्थान के बारे में, और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड में एक बहुत अच्छे एक्टर हैं जिनका नाम है श्री आदरणीय राजपाल यादव जी, जो बहुत कॉमिक एक्टर हैं। तो उन्होंने जब क्यूएसटी संस्थान से अपनी क्या बोलते हैं सर्जरी करा रखी थी तो मुझे एक यकीन हुआ, एतवार हुआ, फिर भी पूरे यकीन एतवार को ना लेके चलते हुए मैं क्यूएसटी संस्थान आया, यहाँ के स्टाफ से मिला है, कर्मचारियों से मिला। क्योंकि जैसे कि मानव है तो मानव के अंदर एक स्वाभाविक प्रवृत्ति तो होती है, डर होता है। अब कहते नहीं है कि डर डर है तो डरना जरूरी भी है, सीधी बात है। क्योंकि सर्जरी का नाम आते ही मन में तरह तरह के भयानक चित्र भी उठते हैं कि यार सर्जरी का मतलब काटेंगे फाड़ेंगे, पता नहीं क्या होगा, ब्लीडिंग होगी क्या होगा, तमाम तरीके के मन में विचार भी आते हैं। ऑब्वियस आने भी चाहिए और हमें इस बात को जानना भी चाहिए। लेकिन जितने भी विचार मेरे मन में आ रहे थे वो इस संस्थान में आके और यहाँ के डॉक्टर्स ने, यहाँ के कर्मचारियों ने जिस हिसाब से मुझे डील किया और मेरे मन में डर को निकाल कर एक कहते हिम्मत बांधी और मुझे उम्मीद जगाई, तो सारे डर मेरे निकल गए। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बाल ले जाते हैं वो यहाँ से ले जाते हैं, यहाँ से ले जाते हैं, यहाँ से ले जाते हैं। ये तो आ गई आपको बाल निकालने वाली बात, ठीक है। दूसरी बात निकल के आती है कि आपका शेडिंग फेस आता है। शेडिंग फेस का मतलब है मोटी मोटी बात, आपके बाल गिरते हैं। तो इसमें बिल्कुल भी घबराने की और चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। ट्रांसप्लांट करने के बाद एक प्रोसेस रहेगा। हो सकता है किसी किसी के बाल 20% गिरे, हो सकता है किसी के 40% गिरे, और कोई ज्यादा ही सौभाग्यशाली हो, ज्यादा ही किस्मत का अच्छा, उसके 90% गिरे। लेकिन इसमें बिल्कुल भी चिंतित और घबराने वाली कोई बात नहीं है। बाल अगर गिरेंगे नहीं ऊपर से टूट के तो अंदर से निकल के कभी नहीं आएंगे। इसमें मेरे बाल लगभग 50% गिरे थे। मैं भी शुरुआत में डर गया था, चिंतित था, लेकिन मैंने यहाँ की संस्थान की टीम से मैंने संपर्क किया, उन्होंने मुझे हिम्मत बताई कि नहीं, इट्स अ प्रोसेस है सर, ये प्रोसेस एक प्रक्रिया है ट्रांसप्लांट की, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, बाल गिरेंगे नहीं तो ओके नहीं नहीं आएंगे। देखिए, सीधी सी बात है कि पहले आप, जैसे कि मैं पहले ही बोलता चला आया हूँ कि बाल जो हों आपकी खूबसूरती का केंद्र होते हैं। जिसके सर पे बाल होते हैं तो समाज ये कहता है व्यवहारिक रूप से कि बड़ा लड़का खूबसूरत है। तो बाल जाने के बाद तो आप ऐसा लगता ही है कि आप पता नहीं आपने कौन सा जुर्म कर दिया, गुनाह कर दिया कि आप लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र नहीं हो पा रहे हैं और आप में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी आ रहा है। जब ऐसा ही मेरे साथ कुछ कुछ हुआ कि मैं लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र नहीं हो पा रहा था, लेकिन जैसे ही मेरे बाल आप वर्तमान अवस्था में आप देख सकते हैं कि बाल मेरे सर पे आने से तो मेरे अंदर ये जा तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन मैं खूबसूरत केंद्र पहले की तरह हो गया हूँ और लोगों की निगाह और लोगों का स्वभाव मेरे प्रति बदल गया है। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में ज़्यादातर समाज के अंदर सबसे बड़ी भ्रांति यही फैली हुई है चारों तरफ कि हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं तो चीड़ फाल करते हैं, खून निकलता है, ब्लड निकलता है और दर्द बहुत होता है। तो ये बात मैं और किसी के मुंह द्वारा कही गई बातों पे तो मैं कोई एतवार यकीन नहीं करता, लेकिन अपनी बात को मैं खुले मन से और मजबूती के साथ रखता हूँ कि क्यूएसटी संस्थान के अंदर जो टीम कोऑपरेट करती है और जिस हिसाब से वो कदम से कदम मिलाकर चलती है तो 0% पेनलेस यहाँ पर होता है, यानी कि दर्द का आपको कतई अनुभव ही नहीं होगा। और जो लोग बालों की समस्या से गुजर रहे हैं, जिनके बाल हेयर लॉस हो रहे हैं, वो बिल्कुल भी इधर उधर ना जाके सीधा अपने आप को क्यूएसटी आएँ और अपनी बात रखें और उनकी बातों का पूरा समाधान यहाँ किया जाएगा। देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरा व्यक्तिगत अनुभव क्यूएसटी के लिए बहुत अच्छा रहा, चाहे वो यहाँ के स्टाफ को लेकर रहा हो, चाहे सर्जरी के दौरान इनकी मेहमान नवाजी रही हो, चाहे वो बिल्कुल मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चले हों। सर्जरी हो जाने के बावजूद ही मेरे मन में काफ़ी समस्याएं, उनका समाधान भी उन्होंने बहुत हिसाब से किया। तो देखा जाए तो मेरा क्यूएसटी के अंदर बहुत अच्छा अनुभव रहा।
एक्सपीरियंस जैसे कह सकते हैं, बहुत बढ़िया रहा, सुंदर रहा। थैंक यू क्यूएसटी, बहुत बहुत धन्यवाद। Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.